हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की जो रेसिपी है ये मटन की रेसिपी है, तो आज मैं इसे स्टू की तरह बनाने वाली हूँ और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी क्योंकि इसे हमें कुकर में पकाना है। और देख सकते हैं कलर भी इसकी बहुत अच्छी आई है। तो मैंने यहाँ पे 1 kg मैंने लिया है मटन और मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। और यहाँ पे मैं एक बाउल में पहले उसके मैरिनेशन तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच भर के दही ले रही हूँ मैं, और यहाँ मैं 1 चम्मच भर के मैंने टर्मरिक पाउडर और थोड़े से और डाल दिए हैं। यहाँ मैं धनिया पाउडर 4 चम्मच भर के डालने वाली हूँ क्योंकि ये मटन है तो इसमें धनिया थोड़ी ज़्यादा ही लगती है और अच्छी भी बनती है इससे। और यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, या 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं यहाँ पे गुल मिर्च पाउडर डालूँगी। तो और यहाँ पे सॉल्ट डालना है तो मैं सॉल्ट 3 चम्मच डालूँगी, जितनी मटन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 चम्मच भर के डालना है। बाकी आप पकते समय भी देख सकते हैं, अगर कम होगी तो आप उसे ऐड कर सकते हैं उसमें सॉल्ट। और इसे अच्छे से मिक्स पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद हमें इसमें 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल मिक्स करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ पहले, और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई मसाले हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है। तो मैं 1 इंच लूँगी यहाँ पे दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची और 4-5 लौंग लेकर के मैं उसे थोड़ी से कूट लूँगी हल्का सा इसे, देख सकते हैं। और इस मसालों को मैं डाल दूँगी यहाँ पे, तो मैंने इसे डाल दिया। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर सीड डाली है, 15 से 20 खड़ी, पाउडर भी मैंने डाले थे और सीड भी डाली है। और यहाँ पे मैं 2 ड्राई रेड चिली को मैं यहाँ पे तोड़ के ऐसे ही डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और इसमें अब मैं मटन को डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे लहसुन की पेस्ट डाली है, और अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए डाल दूँगी फ्रिज में। आधे घंटे के बाद हमें फिर इसके आगे की तैयारी करनी है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी, आधे घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। रख दें या ऐसे ही आप इसे रख दें, बाहर भी रख सकते हैं। और अब आधे घंटे हो चुके हैं तो मैंने एक कुकर लिया है और यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बड़े चम्मच से मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल मटन के मैरिनेशन में भी डाला था। और मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल करके, और मैं यहाँ पे कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। ये प्याज आधे मैंने डाले हैं और आधे मैं रख रही हूँ। 1 kg मैंने मटन लिया था तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, और यहाँ मैंने आधे डाल दिए हैं। और आधे प्याज को हमें अच्छे से पहले फ्राई कर लेना है और बाकी के बचे प्याज को हमें बाद में डालना है। तो इसे मैं अच्छे से देख सकते हैं कि अच्छे से प्याज भून रही है, तो पहले हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। और कुकर में मैं इसलिए पका रही हूँ कि इससे ये जल्दी पक जाएंगे और अच्छे बनेंगे ये। तो मैं यहाँ पे मटन को मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसे डाल रही हूँ। तो सारे मटन डाल दें और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले।
2 से 3 मिनट मैं पहले इसे ढक्कन हटा के ही पका रही हूँ 2 मिनट तक। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ जिससे इसके कलर बहुत अच्छे आएंगे। और कलर के लिए मैंने डाला है यहाँ पे, देखिए जब लास्ट में ये रेडी होगी मटन तो बहुत ही इसके अच्छे कलर आएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पे चीनी ऐड किया। अब मैं इसे ढक के 2 मिनट पकाती हूँ। मैंने यहाँ पे फ्लेम को हाई रखा है। 2 मिनट के बाद मैं फिर से हटा के देखती हूँ तो अब इसमें अच्छे खासे बबल आ रहे हैं। तो मैं अब इसमें जो बचे प्याज है मैं उसे ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज को ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स करके और अब हमें इसे बंद कर देने हैं ढक्कन को। और इसे मैं 3 से 4 सीटी मैं इसे लगाऊंगी। तो 3 से 4 सीटी लगाने के बाद फिर देखती हूँ कि ये इसे अब हमें कितना और पकाना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे अब देख सकते हैं 3 से 4 सीटी लग चुकी है और ये इसके प्रेशर निकल चुके हैं। तो अब मैंने खोल के आपको मैं दिखा रही हूँ। तो हमें अभी यहाँ से अभी से भूनना स्टार्ट करना है क्योंकि अब हमें इसे फ्राई करना है अच्छे से। तो यहाँ मैं अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है, लेकिन जैसे ही इसमें अभी देख सकते हैं कि उसमें उबाल आने लगी है। तो अब फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे रखना है और रख करके अब हमें इसे अब पकाना है। अब यहाँ से हमें इसे कम से कम 30 मिनट तक पकाने हैं। बीच बीच में चेक करते रहना है और इसे फ्राई करना है अच्छे से जब तक इसके सारे पानी ख़त्म नहीं हो जाते और ये ड्राई होकर के अच्छे से इसके ऑयल बाहर नहीं आ जाते, तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। क्योंकि अब तक तो हमने इसे सीटी लगा करके सिर्फ पकाई है और ये अभी 70% पका है। अभी 30% इसे हमें अब ऐसे पकाना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं बार बार इसे देख रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको कि अभी जो इसके जो पानी थे वो कम हो रहे हैं धीरे धीरे और ये फ्राई हो रही है। तो ये अच्छे खासे फ्राई होने के प्रोसेस में आ चुकी है, इसके ऑयल छूट रहे हैं पूरे। तो इसे ढक के मैं अभी और पकाने वाली हूँ, उसके बाद मैं थोड़े से पानी ऐड करूँगी इसमें। तो ये इसे हमें 30 मिनट तक तो कम से कम 30 to 35 मिनट तक तो इसे हमें पकाने ही हैं। तो यहाँ मैं एक निकाल के इसे चेक कर लेती हूँ कि ये पके हैं कि नहीं। तो ये अभी पके हैं, अब 5 से 7 मिनट इसे मैं और भूनूँगी। अब यहाँ पे मैं होममेड गरम मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब होममेड गरम मसाले डाले हैं और इसे मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स। और उसके बाद हमें इसमें थोड़े से पानी डालने हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने एक बाउल मैंने पानी डाल दिया है। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़े और पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने उतने ही डाले हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे देसी घी डाली है जिससे कि इसके टेस्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो डाल के अब मैंने ढक दिया है और बॉयल आ रही है। तो मैंने इसे अब बंद कर दिया गैस को। ये देख सकते हैं कि रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ, ये रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं इसे कलर भी बहुत ही अच्छे आए हैं। इसे आप राइस या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, और ये पके भी अच्छे हैं। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पकेगी और जल्दी बन भी जाएगी ये। ऐसे आप खुले बर्तन में भी इसे पका सकते हैं, हांडी वगैरह में भी, उसमें वक्त बहुत लगता है, लेकिन वहाँ भी उसमें भी अच्छी बनती है और कुकर में भी अच्छी बनती है ये। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दें जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।